तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने पूरा पेट्रोल भर लिया है। और जब ये पेट्रोल में भर रहा था तब का मैंने वीडियो स्क्रीन नहीं निकाला है क्योंकि पेट्रोल पंप पे मोबाइल से अलाउड नहीं रहते। बाजू में पेट्रोल पंप है और अभी मेरी करंट रेटिंग है 9364। तो इसको अभी मैं 30 से 40 किलोमीटर राइड करूँगा और उसके बाद मैं वापस से पेट्रोल फुल करूँगा और उसमें जब जितना पेट्रोल बैठेंगे और कितना किलोमीटर गए उसके ऊपर से हम एक माइलेज टेस्ट निकालेंगे। और अभी जो बाइक राइड करने वाला हूँ मैं पूरा ट्रैफिक में राइड करूँगा, मतलब पुणे के ट्रैफिक में, और इसका जो स्पीड रहेगा ये 0 to 60 रहेगा, 60 के ऊपर नहीं जाने दूँगा मैं। तो चलिए अभी राइड कर दो तो बता दूँगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो मैंने पेट्रोल वापस से फुल करा लिया है। और मेरा किलोमीटर रनिंग है 9377। और अभी जब मैंने वापस से पेट्रोल फुल किया तो मेरे बाइक में 0.32 लीटर्स पेट्रोल बैठा है। तो 0.32 लीटर्स में 13 किलोमीटर्स यानी कि एक लीटर में 40 किलोमीटर्स। तो मुझे अभी तक मेरे बाइक ने 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया है। और ये एवरेज मैंने कैसे गेन किया मैं आपको भी बता दो। मैंने पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि बाइक को मैं 0 to 60 पर राइड करने वाला हूँ और 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर मैंने बाइक को नहीं लिया है और एकदम मतलब एकदम ही अच्छे से बाइक को राइड किया मैंने 30 से लेके 60 तक के। और अभी जो मैंने राइड किया तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, मतलब एक मीडियम ट्रैफिक था जितना पुणे में रहता है। और अभी मैं इसका वापस एक माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और वो रहेगा पूरा हेवी ट्रैफिक में। मैं पुणे के हेवी ट्रैफिक में इसका राइड करने वाला हूँ और देखता हूँ कि इसका एवरेज कितना आता है। तो अभी मैं अभी शाम के टाइम में 6 से 6:30 के बीच में राइड टेस्ट करूँगा। तो वो जो टेस्ट रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और हो सके तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो बस फ्रेंड्स आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तो चलिए फिर मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।